नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर विवेक अंबेडकर। मैं एक प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन हूँ जो कि रीवा मध्य प्रदेश में प्रैक्टिस करता हूँ। मैं एक आज आप इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में आपको बताऊंगा जो कि मेल पेशेंट जो होते हैं उनमें कॉस्मेटिक प्रॉब्लम होती है, जिसको हम गायनेकोमेस्टिया बोलते हैं, जो कि मेन बूब्स या मेल चेस्ट फैट भी कुछ लोग बुलाते हैं। इससे रिलेटेड बहुत सारे पेशेंट मेरे पास आते हैं जो कि हम इसमें न्यू एडवांस जो टेक्निक है गायनेकोमेस्टिया से सर्जरी की, वो हम करते हैं। क्या होता है गायनेकोमेस्टिया, जो कि मेल ब्रेस्ट में फीमेल मेल ब्रेस्ट जो कि फीमेल ब्रेस्ट जैसा दिखने लगता है। गायनो मतलब ग्लैंड और मेस्टिया मतलब ब्रेस्ट। गायनेकोमेस्टिया जो कि मेन बूब्स हम बुलाते हैं, अगर मेल पेशेंट पे गायनेकोमेस्टिया की प्रॉब्लम है तो वो पब्लिक प्लेसेस में कपड़े उतारने में या जिम में कपड़े उतारने में या अपने पार्टनर के साथ कंफर्टेबल नहीं रहते हैं, टाइट कपड़े पहनने में कंफर्टेबल नहीं रहते, या उनका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी कम होता है, उससे रिलेटेड हमारे पास बहुत सारे पेशेंट इससे रिलेटेड आते हैं जो कि चाहते हैं कि उनको उनकी एडवांस तरीके से सर्जरी की जाए, जो कॉस्मेटिक प्रॉब्लम है वो करेक्ट की जाए। गायनेकोमेस्टिया जो कि 18 साल से लेके 40 साल की उम्र तक बहुत काफ़ी कॉमन होता है। उससे पहले फिजियल जब पैदा होता है तब बच्चे को काफ़ी फिजियोलॉजिकल गायनेकोमेस्टिया होता है, ओल्ड एज में भी होता है। आइए हम बताते हैं कि क्या 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 कारण है गायनेकोमेस्टिया के। प्यूबर्टी के समय फीमेल एस्ट्रोजन हार्मोन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है एज़ कम्पेयर टू मेल टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, और बॉडी कन्फ्यूज हो जाती है जिसके कारण मेन बूब्स या गायनेकोमेस्टिया फीमेल लाइक ब्रेस्ट डेवलप हो जाती है, जिसको गायनेकोमेस्टिया बोलते हैं। अदर कॉजेज किडनी डिजीज, लीवर डिजीज, टेस्टिकुलर डिसऑर्डर, ड्रग लाइक पिरोसमाइड एंड स्टेरॉइड। आइए डायग्नोसिस कैसे बनाते हैं गायनेकोमेस्टिया की, जो कि एक प्लास्टिक सर्जन एग्जामिन करता है फिर उसके बाद गायनेकोमेस्टिया की डायग्नोसिस बनती है। आइए चलिए हम आपको गायनेकोमेस्टिया की क्या क्या ग्रेड्स हैं वो बताते हैं। गायनेकोमेस्टिया की 4 ग्रेड हैं, आइए हम आपको डिस्कस करते हैं उसके बाद। ग्रेड 1 स्मॉल इनलार्जमेंट विथ नो स्किन एक्सिस, ग्रेड 2 ए मॉडरेट इनलार्जमेंट विथ नो एक्सिस स्किन, ग्रेड 2 बी मॉडरेट इनलार्जमेंट विथ एक्स्ट्रा स्किन एंड ग्रेड 3 में मॉडरेट इनलार्जमेंट विथ एक्स्ट्रा स्किन। जैसा कि आपने देखा कि गायनेकोमेस्टिया की 4 ग्रेड्स हैं, अब आते हैं मेन टॉपिक में कि ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि गायनेकोमेस्टिया सर्जरी आपने किससे कराने के लिए सोचा है, एक जनरल सर्जन से या प्लास्टिक सर्जन से। अगर आप जनरल सर्जन से कराएंगे तो उसमें क्या क्या साइड इफेक्ट हैं और इफेक्ट एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, और एक प्लास्टिक सर्जन से कराएंगे तो क्या एडवांटेज है डिसएडवांटेज है। एक जनरल सर्जन से कराएंगे तो आपको शायद कॉस्ट इफेक्टिव कॉस्ट सस्ता पड़े, और उसमें पर ये डिसएडवांटेज है कि स्कार मार्क आने के चांसेस है, जो कि आप आने वाले फोटो में आप देख पाएंगे कि एक जनरल सर्जन का किया हुआ गायनेकोमेस्टिया में एक हाइपरट्रॉफिक स्कार डेवलप हो गया, जो कि इंसिजन भी उनका हिडन नहीं रहता है ये। और दूसरे फोटो में आप देख पा रहे होंगे कि का जो है इंसिजन है वो काफ़ी हिडन है, और एक प्लास्टिक सर्जन का इंसिजन जो होता है हिडन होता है। जैसे कि आप फर्स्ट फोटो में देख रहे होंगे उसमें एक स्किन स्कार है जो कि हाइपरट्रॉफिक स्कार बोलते हैं, पिछले जो जनरल सर्जन ने किया था उसके कारण उसको डेवलप हुआ। और नीचे वाला फ़ोटो आप देख रहे होंगे जिसमें एरो बना हुआ, एक मैंने किया है जो एक मैं एक प्लास्टिक सर्जन हूँ जिसमें स्कार एकदम मिनिमम है, आप देख रहे होंगे स्कार है ही नहीं, ना के बराबर है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि आप सर्जरी किससे करा रहे हैं। प्लास्टिक सर्जन से कराएंगे तो शायद आपको थोड़ा सा महंगा इलाज हो, पर आपको कॉस्मेटिक जो आप चाहते हैं कि कॉस्मेटिक प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाए वो सॉल्व हो सकती है। पर अगर आप एक जनरल सर्जन से कराएंगे तो उसमें हो सकता है कि आपकी प्रॉब्लम तो दूसरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए पर एक नई प्रॉब्लम खड़ी हो जाए, जो कि स्कार आप उससे परेशान रहेंगे स्कार से। ट्रीटमेंट जो कि हम एडवांस तरीके से पेशेंट में लाइपोसक्शन करते हैं और ग्लैंड एक्सीजन करते हैं, जिसमें लाइपोसक्शन एक ट्यूमसेंट एनेस्थीसिया होता है, जिसमें ट्यूमसेंट फ्लूड दोनों ब्रेस्ट में, अगर दोनों तरफ है तो दोनों ब्रेस्ट में या एक तरफ के ब्रेस्ट में ट्यूमसेंट फ्लूड डालते हैं, उसके बाद 10 मिनट करीब वेट करते हैं, उसके बाद लाइपोसक्शन करते हैं और उसके बाद ग्लैंड एक्सीजन करते हैं। ये डे केयर प्रोसीजर होता है जिसमें आप पेशेंट को मॉर्निंग में पेशेंट को सर्जरी करते हैं और थोड़ा सा सेडेशन देते हैं, और इवनिंग में पेशेंट को डिस्चार्ज कर देते हैं या ओवरनाइट पेशेंट को रखते हैं, दूसरे दिन पेशेंट को डिस्चार्ज करते हैं। अगर आप गायनेकोमेस्टिया सर्जरी से रिलेटेड कोई और क्वेरी हो तो दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं या हमारे इनबॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। तो आपको जैसा कि देखा होगा कि आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शुक्रिया।
और आप दिए हुए नंबर पे हमें गायनेकोमेस्ट्री या सर्जरी से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू।